हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए कुछ मैसेज जो है मेरे इंस्टाग्राम पर कर मुझे प्राप्त हुए मेरी ऑडियंस के द्वारा। कुछ सवाल मुझसे पूछे गए कि सर, उनमें से पहला जो सवाल है वो ये है कि सर, क्या मेरे बच्चे का जो है वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके नंबर इतने हैं। एक लोगों ने पूछा कि सर, मेरे नंबर 96 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें आगे क्या करना चाहिए, वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना चाहिए, आगे हम क्या कर सकते हैं। दूसरा ये कि सर, मेरे पास कॉल नहीं आया अभी तक, मैं क्या करूं। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज आपके इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कॉमन सवाल आता है, ये कल मैं लाइव था तो भी ये सवाल मुझे मिला कि सर, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए आप लोग। हो सकता है कि कमेंट में आपने किया हो लेकिन मैंने रिप्लाई ना कर पाया हो आपको, तो आज का ये वीडियो देख लीजिएगा। आपके सारे सवाल और भी बहुत सारे लोगों के सवाल ये हो सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। तो इस समय इंडिया क्या पढ़ रहा है भाई? इंडिया पढ़ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए चक्षु प्रकाशन की किताबें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2024 में जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा देंगे उनके लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में। चक्षु प्रकाशन की ये बुक है और इस बुक में आपको तीनों पोर्शंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो, या फिर वो हो आपका लैंग्वेज सेक्शन, या फिर वो हो अर्थमेटिक। और इसमें आपको मिल जाएंगे ढेर सारे सैंपल पेपर्स, पिछले साल के सारे सॉल्व पेपर्स, और आपको नए नए तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर विभिन्न आकृतियों के साथ में दिया गया है एक परफेक्ट सोल्यूशन। तो भाई, सबसे पहले ले लेते हैं सबसे पहला सवाल कि हमारे सर नंबर 96 पॉइंट समथिंग है और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम आगे क्या करें। देखो, मैं सभी लोगों से, जिन लोगों के अच्छे नंबर हैं 93, 94, 95, 96, 97, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 100% वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करें। उम्मीद है आपकी कि सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि 10 से 20 सीटें खाली रहेंगी। और लेकिन उनको करना क्या है, ऐसा नहीं है कि वो नवोदय के चक्कर में उसका इंतज़ार करते रहें और इधर एडमिशन ना लें, क्योंकि फिर इधर एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आपको थोड़ा सा नुकसान तो होगा, आपको एडमिशन ले लेना है अपना क्लास 6 में, जिस भी स्कूल में लेना चाहें। वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप अपना ये वाला विद्यालय छोड़ के वहाँ पर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले लीजिएगा। आपका थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपके यहाँ मतलब स्कूलों में लेट एडमिशन्स हो जाते हैं तो आप अगस्त तक इंतज़ार भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एडमिशन ले लेना चाहिए, ये मेरी सलाह है। आप एडमिशन ले लीजिए, वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो आपको इजीली वहाँ पर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा और वहाँ पर आप छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि सर, मेरे पास अभी फ़ोन कॉल नहीं आया है सिलेक्शन के लिए, मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन मेरे पास फ़ोन कॉल नहीं आया है, हम क्या करें। तो आपको भी बता दें भाई, जुलाई शुरू हो चुकी है, अब सभी के पास फ़ोन कॉल्स, लेटर्स जाना शुरू हो जाएंगे। इस महीने में एडमिशन्स होने हैं और आपको नवोदय विद्यालय में पहुंचना है जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट होता है तो आप जाके अपने नवोदय विद्यालय में विजिट कर लीजिए, मिल लीजिए वहाँ पर, ऑफिस में लिस्ट देख लीजिए, पूछ लीजिए कि सर हमें कब बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो फ़ोन कॉल का इंतज़ार आप कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, नंबर अपना ऑन रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाते हैं भाई आखिरी सवाल पर कि वेटिंग लिस्ट सर कब आएगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये एडमिशन्स हो जाएंगे, ये एडमिशन आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे, जो सीट्स बचेंगी उनका ब्यौरा भेजा जाएगा रीजनल ऑफिस में, आरओ में भेजा जाएगा, फिर आरओ से जो डेटा है वो भेजा जाएगा मुख्यालय में नवोदय विद्यालय समिति के, वहाँ से वेटिंग लिस्ट रिलीज होगी और वेटिंग लिस्ट सीधा नवोदय विद्यालय में आएगी। आप ऐसे समझ लीजिए, ऑनलाइन पब्लिश नहीं की जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप जो है ध्यान रखें, पहले तो चैनल पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, भाई वेटिंग लिस्ट अगर आना शुरू हो जाएगी तो मैं बता दूंगा, तो आप लोग अपने विद्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट चाहिए, हमारा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, जिसका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है उसके पास खुद ही कॉल पहुँच जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के मन में चल रही थी, सोचा कि एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी। आप लोग जो सवाल, आप लोगों के मन में जो डाउट आते हैं ना, उनको दूर करना और जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उनको ख़त्म करना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो आई होप कि आप सभी के सवाल जो है, आप सभी के मन में चल रहे डाउट समाप्त तो हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।